हरिओम रत्नाकर जी। प्रणाम कुलकर्णी सरकार विराजी। ये लीजिए। भगवान, ये तो अंग्रेजी में है। अब मैं रत्नाकर से कह भी नहीं सकता कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, क्या करूं। हरिओम। बहुत अच्छा है, बढ़िया। लाइए मैं पढ़ देता हूं। Respected Mr. Kulkarni, the governor of Bombay Presidency has decided to bring another village under your jurisdiction. You have to visit the nearest headquarters to sign the final documents. वाह वाह वाह, क्या कहने। सरकार आप वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब क्या है इसका? देख लिया रत्नाकर जी, कैसे गधों से पाला पड़ा है मेरा। छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ती है इन्हें। तंग आ चुका हूं इन लोगों से मैं। अब आप ही समझा दीजिए इन्हें। जैसी प्रजा वैसा राजा। तुम्हारी समझ में कितना आया है ये मुझे समझ में आ गया है। जी बिल्कुल, बड़ा बोझ है आप पर कुलकर्णी सरकार। खैर मैं बता देता हूं, इसमें ये लिखा है मूर्खो कि गवर्नर साहब ने कुलकर्णी सरकार को एक और गांव का नियंत्रण सौंप दिया है और इसी काम के तहत इन्हें गवर्नर साहब से जाकर मिलना पड़ेगा। जी हरिओम हरिओम, सच। न जाने कब से प्रतीक्षा थी समाचार की। हरिओम, तीसरा गांव भी मिल गया, अब जाके मन को शांति मिलेगी। तीसरा गांव भी मिल गया। बैठी बैठी बैठी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए गधों, घर जाकर करने के लिए कुछ तो बाकी रखो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब जब आप मुझे शिरडी में भूमि दिलवा देंगे तो मैं आपको दो और गांव का नियंत्रण भी दिलवा दूं। तो बच्चों, सात का पहाड़ा सबको याद हो गया? ठीक है, अब आठ का पहाड़ा याद करते हैं। अध्यापक जी, आज के लिए बस हो गया। अगर आप आठ का पहाड़ा पढ़ाएंगे तो हम सात का पहाड़ा भी भूल जाएंगे। हाँ अध्यापक जी, आज बहुत गर्मी है इसलिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है। हमें कोई कहानी सुनाए ना। पहले अब्बू और बड़े अब्बू मुझे कहानी सुनाते थे, पर अब तो प्रतियोगिता में व्यस्त हो गए, उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। अली सही कह रहा है। हाँ अध्यापक जी, हमें कहानी सुनाइए ना। ठीक है, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे? भरत मिलाप की कहानी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ये कौन सी कहानी है साईं? अगर साईं ने कहा है तो जरूर होगी। अध्यापक जी, हमें भरत मिलाप की कहानी सुननी है। साईं, सुझाव आपने दिया है तो कहानी भी आप ही सुना दीजिए। आप सुनाएंगे तो इन बच्चों के साथ साथ मैं भी कुछ नया सीख जाऊंगा। तो हुआ ऐसा कि वनवास का आदेश पाकर जब भगवान राम ने
वन की ओर प्रस्थान किया तो उनके छोटे भाई भरत उनसे मिलने के लिए आए। भगवान राम से अयोध्या वापस चलने का अनुरोध किया तो भगवान राम ने भरत को समझाया कि पिता की आज्ञा के पालन के लिए उन्हें 14 वर्ष वनवास में रहना ही होगा। भरत अयोध्या लौट जाएं और राजा बनकर अयोध्या पर शासन करें। एक पुत्र और एक राजा के रूप में यही उनका कर्तव्य है। भगवान राम के समझाने पर भरत मान तो गए। उन्होंने भगवान राम से उनकी चरण पादुका मांगी और चरण पादुका को अपने शीश पर रखकर अयोध्या वापस लौट गए। अयोध्या जाकर पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर श्री रामचंद्र जी की ओर से अयोध्या पर शासन करने लगे और इंतजार करने लगे उस दिन का जिस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटेंगे। सुनिए भाई साहब, कहिए अब ये माधव कहाँ रहते हैं? वो अध्यापक जी, वो तो इस समय विद्यालय में होंगे और विद्यालय जाने का रास्ता यहाँ से सीधा जाइए, उधर ही सामने आपको विद्यालय दिखेगा। जी शुक्रिया। चौदह वर्ष के बाद दोनों भाई मिलने वाले थे। जिस घड़ी की प्रतीक्षा भरत को वर्षों से थी वो आने वाली थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और गले लग गए। माधव, आप कौन? ब्रह्म कमल, और इस समय ये तो बहुत अच्छा शगुन है। कहीं सच में कोई खुशखबरी तो नहीं मिलने वाली है? खुशी मिलने वाली नहीं है, मिल चुकी है रुक्मिणी। तुम्हारा पति अब 3 गांव का राजा बन चुका है रुक्मिणी। ओ, बधाई हो आपको। तुम्हें भी बधाई हो रुक्मिणी। सरकार, आज आपके यहाँ दावत तो मिलेगी ना? वाह सरकार वाह, आज तो खाने के लिए आम्र श्रीखंड भाकरी पूरन पोरी भजी लड्डू पेड़ा खीर। हरिओम हरिओम। तुम दोनों भुक्कड़ भुक्कड़, लगता है तुम दोनों का जन्म केवल खाने के लिए हुआ है। गधो, पहले पूजा पाठ करेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे। अरे ओम। अहो, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तैयारी करती हूं। हरिभाव जी, मैं आपका अनाज नहीं ले सकता भाई। लेकिन हुजूर, आपने तो कहा था कि मेरा अनाज शिरडी में सबसे बढ़िया अनाज है। हाँ हाँ, अनाज की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं, लेकिन लेकिन क्या हुजूर? अब क्या बताऊँ, मुझे तो कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं नहीं हुजूर, आपको जो कुछ भी कहना है बेझिझक कहिए। बेझिझक होके बोल दूं? देखो हरिभाव,
इतना बड़ा व्यापार करता हूं, अब बड़ा व्यापार करने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं ये ऊंच नीच जात पात इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता। लेकिन मेरे ये श्रमिक है ना, मुझसे बिल्कुल उल्टी बुद्धि रखते हैं, मूड है एकदम। अब उन्हें कैसे समझाऊं? दरअसल तुम्हारा अनाज मैं इसलिए खरीद रहा था कि अपने यहां काम करने वाले श्रमिकों को भोजन करा सकूं, लेकिन अब वो तो नहीं मानेंगे, उन्हें कैसे समझाऊं? मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। अब भी नहीं समझे? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे खेतों में जो श्रमिक काम करते हैं वो केवल हिंदू धर्म के हैं या दूसरे धर्मों से भी हैं, जैसे कि मुसलमान वगैरह वगैरह? हाँ हुजूर, सभी धर्म के लोग काम करते हैं। अगर मेरे श्रमिकों को पता चल गया कि जो भोजन वो करने वाले हैं उसमें जो अनाज इस्तेमाल हुआ है उसके उत्पादन में अगर मुसलमानों का योगदान है, उन्होंने हाथ भी लगाया है उसे, तो वो तो नहीं करेंगे वो भोजन। मुझे नहीं पहचाना? आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानता हूं, पर पहचान में नहीं आ रहा। तुम्हारा चचेरा भाई बालकृष्ण। क्या बालकृष्ण? तुम बालकृष्ण हो? मेरे भाई, इतने सालों बाद। आओ अंदर आओ, इनसे मिलो। ये हैं साई, मैंने इन्हें अपना गुरु माना है। प्रणाम साई। राम जी भला करे। और साई, सालों बाद मिल रहा हूं मैं इससे। बचपन में हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, बहुत ही पक्के दोस्त थे हम लोग, सब कुछ साथ में किया करते थे, पढ़ाई भी और शैतानी भी। अध्यापक जी, आप शैतानी भी करते थे? हाँ बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं जो हम दोनों ने मिलकर ना किया हो। इमली चुराना, आम खाना, और जब आई अचार के लिए कहरिया सुखाते थे तो तुम्हें याद है ना, हम कैसे उसमें नमक लगाकर खा जाते थे। चोरी छुपे नदी में नहाने जाते थे, और घर वाले सोचते थे कि हम विद्यालय गए हैं पढ़ाई के लिए। क्यों? बस 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 बालकृष्ण, ये मेरे विद्यार्थी हैं, इनके सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल रख। और बच्चों तुम लोग, इनसे कोई भी शिक्षा मत लेना तुम लोग। पर हाँ, तुम्हें पता है हम दोनों ही अध्यापक बनना चाहते थे, और माधव पढ़ाई में तेज था तो ये अध्यापक बन गए, और इसका सपना पूरा हुआ। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? वैसे देखने में तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह विलायती बाबू लग रहे हो तुम। तुम्हें तो पता ही है मैं बचपन से कितना बोलता हूं, तो बस इंग्लैंड गया और बैरिस्टर बन गया। क्या तुम बैरिस्टर बन गए? साई, बधाई हो मेरे भाई, बधाई हो। इंग्लैंड से आते ही मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, फिर गांव में गया तो पता चला कि तुम शिरडी आ गए हो, तो बस तुम्हें ढूंढता हुआ यहां चला आया, और आखिर तुम मुझे मिली गई। इतने वर्षों बाद भी तुमने मुझे याद रखा। तुम मुझे भूल गए क्या? नहीं ना, बिल्कुल ऐसे ही भरत मिलाप हुआ था। परिस्थितियों ने दो भाइयों को 14 वर्षों के लिए अलग तो कर दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे के लिए अपने दिलों में प्रेम बनाए रखा, और इसीलिए वो 14 वर्ष बाद दोबारा मिले। मिलना बिछड़ना ये तो प्रकृति का नियम है, पर हमारे प्रेम में इतनी शक्ति, इतनी मजबूती होनी चाहिए कि या तो अपने प्रियजनों को अंततः अपने पास बुला ले, और या फिर उनके पास
खुद चले जाएं। लेकिन हुजूर, शिरडी में तो सभी के खेतों में सभी धर्म के लोग साथ में काम करते हैं। इसीलिए तो मुझे शिरडी इतनी पसंद है, इसीलिए तो इतना प्रभावित हूं मैं इस जगह से। यहां लोगों में कितनी एकता है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा प्रभावित होना अलग बात है, मेरा व्यापार करना एक अलग बात है। दोनों चीजों को मिला नहीं सकता ना भाई। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम्हारी और मेरी व्यापारिक साझेदारी बरसों तक चलेगी, पर अब लगता है किसी और को ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं हुजूर, हुजूर मैं भी तो यही चाहता हूं कि अपनी साझेदारी बनी रहे। जब आपने मुझसे कहा ना कि आप अपने कारखाने में काम करने वाले लोगों के लिए मुझसे गेहूं ले रहे, तो पहले तो मुझे मेरी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे भगवान ने आखिरकार मुझ पर कृपा कर ही दी। ऐसे लगा जैसे मेरा और मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। मैंने तो तीर्थ यात्रा पर जाने का भी सोच लिया था, और तो और मैंने अपने घर की मरम्मत करने के बारे में भी सोच लिया था। लेकिन अब तो जैसे, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे परिवार का भविष्य अभी भी उज्जवल हो सकता है। तुम चीजों को अभी भी बदल सकते हो। अगर तुम मुझे ये आश्वासन दो कि तुम अपने खेतों में केवल हिंदू श्रमिकों से ही काम करवाओगे, किसी और धर्म के श्रमिकों से नहीं, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और एक चीज और, तुम्हें अपने खेतों की शुद्धि भी करवानी होगी। आपकी रहमत से मुझे एक बहुत बड़ा सौदा मिला है साईं। मेरे लिए खुदा से दुआ कीजिएगा ताकि मैं वक्त से ये सौदा पूरा कर सकूं। इस सुलझन में फंसा दिया रत्नाकर जी ने। हिंदू धर्म के ना होने के कारण उन श्रमिकों को कैसे हटा सकता हूं मैं, जो लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो लोग मुझ पर निर्भर है, क्या करूं मैं? एक बात हमेशा याद रखना सुल्तान, कि किसी भी काम में लापरवाही अच्छी बात नहीं है। कभी कभी जब हम बहुत खुश होते हैं या फिर बहुत दुखी होते हैं तो अपना विवेक खो देते हैं हम, और अपने सामने आने वाले खतरे को देख नहीं पाते। आपकी इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा साईं। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ असलम का निकाह और असलम की जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह है, और इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा। सुल्तान के सामने तो इस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो उसे पूरा करने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा कर रहा है। तो मैं क्यों लघु मार्ग से अमीर बनने की सोच रहा हूं? हाँ, ये बात और थी कि रत्नाकर अगर मुझसे अनाज लेता तो बिना भाव दौड़ के ढेरों पैसे मिल जाते मुझे। लेकिन उससे कितने लोगों को दुख पहुंचता, कितने लोगों का रोजगार छीन जाता। सही कहा है किसी ने, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए मैं भी मेहनत करके पैसे जोड़ूंगा, और यही सबके हित में होगा। द्वारका महल के पास पहुंचते ही मेरी दुविधा दूर हो गई। मैं कैसे केवल अपने बारे में सोचने लगा, केवल अपनी समृद्धि के लिए श्रमिकों को काम से हटाने की बात मेरे दिमाग में आई, लेकिन कैसे आई? जो भी है, भगवान ने मुझे पाप करने से बचा लिया। साईं सही कहते हैं कि जिस चीज से मन में लालच पैदा हो और जो बुराई की ओर ले जाए उसे त्याग देना चाहिए।
अब मेरे भाग्य में लिखा होगा कि रत्नाकर के साथ सौदा ना हो, तो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और मैं उसमें खुश हूं। अरे हरिभाव, बिना मिले ही जा रहे हैं, अजीब बात है। हाँ, हो सकता है प्रतियोगिता को लेकर उसके दिमाग में कोई उधेड़ बुन मची हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है सरकार को तीसरा गांव मिलना वो खुशखबरी नहीं है जिसका संकेत साईं ने दिया था। फिर और क्या हो सकता है।